छोटा सा आवेदन है, जो भी पत्रकार बंधु है वो सब आगे की कुर्सी पर पधार जाएं और कार्यकर्ता अन्य स्थानों पर अपना स्थान ग्रहण करें। जो आगे के स्थान है पत्रकार बंधु ग्रहण करें, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे शहर जिला अध्यक्ष श्री शिवाली से आग्रह है कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय प्रमोद जी सवाल से भी आग्रह है कि वे अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। श्री बंसीलाल जी साहब से भी आग्रह है वे भी आगे स्थान ग्रहण करें मंच पर। कर्मियों का एक बार पुनः तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसके पश्चात यह हमारे उदयपुर शहर विधानसभा से चुने गए विधानसभा के लिए आदरणीय श्री ताराचंद जी जैन साहब उदयपुर शहर विधानसभा से विधायक के रूप में चुने गए हैं और इस लगभग 120 दिन के कार्यकाल में आपने जो कुछ भी किया उसका लेखा जोखा आप सबके सामने प्रस्तुत करने के लिए यह आयोजन किया गया है। यह लोकसभा का जो आचार संहिता वह भी लागू हो चुकी है। इसके अलावा सरकार का गठन होना और उसके बाद वर्तमान सरकार में अपने अधिकारी का ट्रांसफर होना, यह सारा समय भी लगा है, यानी कि एक बहुत अल्प समय मिला है। और श्री ताराचंद जी जैन साहब ने उदयपुर शहर में अब तक क्या कार्य किए हैं और भविष्य की क्या योजनाएं हैं उनके पास, इस सब का लेखा जोखा रखने के लिए आपके सामने यहां आमंत्रित। क्या शब्द चुनू तुम्हारी आन बान शान में, बस यह कहना ही काफी है कि तुम काम तो करते हो कमाल के। तारीफों के पुल बांधना मुझे नहीं आता, लेकिन आपका काम मुझे निशब्द कर देता है। एक और आदरणीय नरेंद्र सिंह ने की महक में पाओगे, योजनाओं के विस्तार में महक में ठहरो, मेरी आवाज की गूंज से पहचानो। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं और इसके बाद ही मैं यह माइक श्रीमान ताराचंद जैन को समर्पित करता हूं। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से, पार्टी के जिलाध्यक्ष और पार्टी के सभी पदाधिकारी थे। वैसे राजस्थान सरकार केंद्र सरकार की केवल समरी ही दूंगा, बची हुई शहर के अंदर पिछले 4 महीनों में क्या कर पाए उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करूँ। वैसे पिछले 10 वर्षों का इतिहास जब भी लिखा जाएगा स्वर्णियम में लिखा है, पिछली सरकारों ने जो कुछ भी किया केवल नारे थोते नारे दिए और गरीबों के जीवन को ऊंचा नहीं उठा पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जैसा कि राजीव गांधी कहते थे, मैं 1 रुपया भेजता हूँ और 15 पैसे ही पहुँचते हैं, उस खाली कहते कहते ही ये सरकार चली गई और उसको क्रियान्वित किए नरेंद्र मोदी जी। हम देख रहे हैं धन धन योजना से देश भर के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, उज्ज्वला योजना से गरीब के घर का गैस सिलेंडर पहुंचकर उस गरीब के घर में उजाला हुआ है, मुद्रा योजना से हजारों लोगों को रोजगार मिला है, शौचालय योजना के अंदर कभी सोचा नहीं था कि गरीब के घर में ही शौचालय होता, जिसका घर के अंदर शौचालय वो सोचते किसी अच्छे का ही दिखता है, पैसे वाले का दिखता है। हर घर पर जल मिशन बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक घर दूसरे घर से कई बार तो दूरियां 1-1 किलोमीटर होती है। डॉक्टर एडगेवार जी ने, भूल जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर संघ ने, धनसंघ ने,
परिकल्पित करके कि जो कांग्रेस कहती थी कि था मंदिर तो वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मत नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तारीख बदलूंगा। उन्होंने राम मंदिर के ऊपर ध्वजा तराकर उस 500 वर्षों के कालिक को खोद कर भगवान राम को देश के 140 करोड़ देशवासियों की विश्व के अंदर प्रतिष्ठित किए। और वह दिन इतिहास के उस स्वर्णिम इतिहास में लिखा जाएगा जिसको आने वाली सीर याद करेंगे। तारागत कल्पना भी नहीं की जा सकती। 5 अगस्त 2019 को 1-5 मिनट के अंदर संसद के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री ने उस धारा 370 को रद्द किया और आज उसको 5 साल से भी अधिक समय होने के बाद हम देख रहे हैं कि देश सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है, कश्मीर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है और आज कश्मीर का युवा अभिनंग अभर है। ये इतिहास के पन्नों के अंदर एक नई और आज वही पाक अधिकृत कश्मीर हमें तो हिंदुस्तान चाहिए, ये आवाज़ इन वर्षों में उठ रही है, वो इसी का परिणाम है। CA लागू किया है, नारी शक्ति अभिनंदन के 33% जो आरक्षण दिया है उससे निश्चित रूप से महिला शक्तिकरण को बढ़ावा, बंदों को फिर गुमराह कर के आज मुस्लिम महिलाओं को एक इस कानून के द्वारा एक उनको संरक्षण मिला है, उनको संबल मिला है। निश्चित रूप से ये योजना से इस देश की नारी शक्ति को सब के अंदर इन्होंने नाम बदला लेकिन आयुष्मान योजना के अंदर एक परिवर्तन और किया है जिसका भी वो फ्री कह रहे हैं, फ्री के साथ साथ कहीं भी कह रहे हैं वंदे भारत और एयरपोर्ट एक समय था उससे दुगुने इस 10 साल के अंदर एयरपोर्ट बने हैं, व्यवस्था बनी थी। मेरा अंदाज है कि शायद मनमोहन सिंह के काल घंटे के अंदर 10-11 बारिश बेटा 7-8 वर्षों के अंदर इस ऊंचाई तक पहुंचाना और भारत को विश्व के 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना ये देश की उपलब्धि है। और इस काल में इस सरकार ने नवंबर एंड में घोषणा की और 1 जनवरी के दिन राजस्थान के अंदर 80 लाख BPL परिवारों को ये 500 रुपये का सिलेंडर 1 जनवरी से दे दिया। उन्होंने जितना हल्ला किया उसके मुकाबले एक सिलेंडर भी दे पाए ये इस सरकार की उपलब्धि है। करनी और खतनी में फर्क नहीं है। पेट्रोल 107-108 रुपये था और वही पेट्रोल इस सीमा में आते ही 105-107 मिलता था, उस सीमा के अंदर 95 रुपये मिलता था। अभी 3-4 महीने पहले गुजरात से महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है, महंगाई की बहुत चर्चा करते हैं, ये बात सही है कि महंगाई बढ़ी वो बढ़ी। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो विपक्ष के लोग ये तो बता रहे कि 100 रुपये मजदूरी थी और आज 500 रुपये मजदूरी है, तनख्वाह 10,000 रुपये थी आज 15,000 थी, तनख्वाह 1 लाख तक पहुँच गई। अब उसका आंकलन तो करोगे, तनख्वाह का भी आंकलन करो, आज व्यक्ति के रोजगार भी बढ़े हैं, रोजगार की के अंदर उसकी आय भी बढ़ी है। तो महंगाई का विश्व के अंदर दुनिया के अंदर भारत ही ऐसा देश है जिसके अंदर सबसे कम 4-5% से नीचे ही होगी। किसान ये पेपर लीक का जिस ढंग से इस राजस्थान के अंदर 75 वर्षों के अंदर जिस तरह का कांड हुआ पेपर लीक कांड, बाबूलाल मोहरा है इसके पीछे, बड़े बड़े नेताओं के हाथ है। मेरा अंदाज है 80 लोग देव के सिकंजों तक पहुंचने की तैयारी में हैं, उस के अंदर पहुंचा कर जेल के सिकंजों में पहुंचा कर उस जिस गरीब का हक छीना था उसको देने में ये सफल होगी। इसी तरह से किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार जो 6,000 नियमित दे रही है उसको राजस्थान सरकार ने फिर 2,000 अपना जोड़ के इस 8,000 दी
लेकिन उसके बाद भी पिछली सरकार ने खुद दी और इस सरकार ने मात्र 100-125 के दिनों के अंदर 12-13 जिले ऐसे होंगे कि जिसके अंदर ये जल पहुंचेगा और निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर पीने का पानी उपलब्ध होगा और उसके साथ साथ खेती को भी 1000 हेक्टर जमीन भी मिलेगी। अब उदयपुर शहर की बात आपसे करूंगा, कालगढ़ समय तो मात्र 4 महीने का ही हुआ है, जो भी कर पाया हूं कि राजनीति ने हर दल सभी पार्टियां अतिक्रमण के नाम से डरती है क्योंकि वोट बिगड़ जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा इसकी परवाह की, हमारे बोर्ड ने, हमारे नेतृत्व ने, और आज हम पिछले 4 महीनों के कालखंड के अंदर 5 महीनों के अंदर इस शहर को काफी कुछ अतिक्रमण मुक्त करने में सफल हुए। और शहर का 5 महीने पुराना नक्शा देखेंगे, भले धान मंडी हो, मंडी हो, वो हो, उसमें प्रयास निश्चित रूप से किया है। अतिक्रमण में मुक्त तो नहीं कर पाए पर लगभग 50-60-70% उसमें कमी करने में हम सफल हुए हैं और उसको आगे भी जा रहे हैं। गोवर्धन व्यास गोवर्धन सागर पिछोला लिंक चुनाव से ठीक पहले हमारे बोर्ड ने, नगर निगम ने इस लिंक का काम चालू करके अब ये पानी गोवर्धन सागर के अंदर से होकर पूरा ये भरा रहेगा वर्ष भर, और ये चारों ही बांध अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए, इससे काफ़ी कुछ इस गोवर्धन सागर को भी बढ़ने में मदद करेगी। नीमच माता रोपवे तो पिछले काफ़ी समय से आदरणीय मुलाजी भाई साहब की परिकल्पना थी, उसको साकार किया है, और ऐसे कई योजनाएं हैं कि जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर पहले तालाब फूलवाड़ी उधर सूखा सूखे नाका इस तरह के काम करके शहर के अंदर भी समस्या बहुत है, और उसको जो नदी के बिल्कुल बहाव के अंदर जो कब्जे थे उसको मात्र ये लगने के पहले आचार संहिता लगने के 1 घंटे पहले तक वो हटाने में, क्योंकि लोगों की ये धारणा होती है कि राजनीति के अंदर लोग खाली हवा खड़ा करने का काम नहीं करते, लेकिन वो सारे अतिक्रमण नदी के अंदर थे, कई मकान थे, उनको हटाकर और उसकी पहल की है, चालू किया है, और प्रयास करेंगे कि इसके अंदर बिना भेदभाव के इस आयर को, जैसा कि मैंने चुनाव के समय की बात की थी आपके समक्ष कही थी कि इसको मिनी साबरमती रिवर फ्रंट कर, और उसमें से काम प्रकृति पर है, और मुझे ऐसा लगता है आगामी 3-4 महीनों के अंदर ये रूप ले लेगा। अतिक्रमण के अंदर भी हमने पूरा गूगल से पीछे 25 सालों के मुठा बनेंगे और पूरी माँ मार्किंग करके पिल्लर के माध्यम से दीवार के माध्यम से इसका प्रयास करेंगे। आगामी ये 2-3 साल का काम है, हम पूरे इस आयर को उस स्वरूप में लाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा सोच है, पार्टी का सोच है। शक्तिनगर बॉटल ने ट्रैफिक अभी शहर के अंदर समस्या हो रही है, इस बॉटल नेक के माध्यम से हमको पूरा बस स्टैंड से जाने वाला व्यक्ति अगर शास्त्री सर्कल पहुंचता है उसको पूरा डेलीगेट सूरजपुर कलेक्ट्रेट और ये भी मन में है, पूरा राउंड गार्ड के ही जाना पड़ता है शास्त्री सर्कल। लेकिन इस बॉटल नेक को मेरा अंदाजा है कि 30 जून के पहले पहले काफ़ी कुछ खुल चुका है, क्योंकि इसमें जो मकान मालिक थे उन सबकी सहमति से विश्वास में लेकर वो चाहते हैं कम से कम हमारी जो बची हुई किमार उमार नुकसान नहीं हो, 5 साल बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। मेरा अंदाज है 5-15 दिन के अंदर पूरा प्लेटफार्म जमीन लेवल तक वो सारी बिल्डिंग आ जाएगी, और उसके बाद इस रोड को खोल देंगे और उससे सीधा बस स्टैंड से जाने वाला शास्त्री सर्कल बिना लाल लाइट के
वहाँ जा पाएंगे। और ये शहर के अंदर इस टूरिस्ट हम सभी लोगों के लिए एक राहत का विषय होगा और इसके लिए भी प्रयासरत है ये मेवार मोटर्स की गली भी, क्योंकि वहाँ कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है, वो भी हम आगामी समय में प्रयास करके उसको भी ठीक करेंगे। शहर के सभी क्षेत्रों में सेक्टर 3, 4, 5, 6, 11, 13 सारी रोडें हमने कहीं खंबे आ रहे थे, कहीं कब्जे थे पीते, मैं निर्माण समिति मेरे कालखंड के पहले पहले काफ़ी कुछ हो चुका था, केवल शेष काम बाकी था वो भी पूरा हो चुका है। इसी तरह से दुर्गा नर्सरी का चौराहा जिससे मैं बना, और अभी ये एमडी कॉलेज के सामने और दुर्गा नर्सरी का चौराहा वो अभी पूरा ट्रैफिक का हब बन गया है। दुर्गा नर्सरी किया तो जहाँ से एमबी कॉलेज के सामने वो जमीन निशुल्क TRI उपलब्ध कराएगा, पहले उसमें डिस्कशन 10 फीट ऊपर से जाकर और चारों तरफ से मेरा अंदाज है 40-50 फीट चौराहा बनकर जो आज की तारीख में ट्रैफिक है उससे ये डबल डेडी डबल स्थिति बन जाएगी ऐसा मेरा विश्वास है। और ये चौड़ा हम आगामी 2-4 महीनों में ही पूरा करेंगे, अगले आचार संहिता के पहले, ये जितने भी काम बता रहा हूँ सब अगले आचार संहिता के पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। शहर के अंदर बड़े बड़े जो या बड़े बड़े हाई मास्क जहाँ भी आवश्यक होगा हम 5-7 हाई मास्क लगाकर उसको ठीक करेंगे। एलिवेटेड रोड इस शहर की बहुत महत्व आवश्यकता है, उसकी तीव्र गति से उसकी जो कानूनी पेश कर दिया है कई तरह की तकलीफें हैं उनको समाप्त करके निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि शहरवासियों को आप सभी को खुशखबरी देंगे और ये काम पार्टी का अपने पैसा कटारे का और हम सभी का लक्ष्य है कि उस एलिवेटेड रोड को जो रेलवे स्टेशन से चालू होकर कलेक्टर के बंगले तक मात्र आज लगभग रेलवे स्टेशन से कलेक्टर के बंगले तक जाने में 20-25 मिनट लगती है और ये 2.65 का सफर मात्र 5 मिनट में पूरा करेंगे, एक भी लाल लाइट नहीं होगी और सभी बाधाएं दूर करके इसको हम 2-4 महीने में पूरा करेंगे। सुकड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी, 327 कर्मचारी उनके कुछ तक टेक्निकल थी, वेतन रुका हुआ था, प्रयास किया और उसको निस्तारण करवाया और भी उसमें कुछ तकलीफ है उसका भी निस्तारण करा के 327 उदयपुर के परिवार उनको उस वेतन को पिछले 2-3 महीनों से हड़ताल पे थे किया। सविना रोड मैं जब से निर्माण समिति का अध्यक्ष था आप सभी अभी इसी रोड से आए होंगे और जाते वक्त भी देखेंगे कि अब उसको कैसे चौड़ा किया जाए, उसका प्रयास मैंने किया है कि अपने काल निर्माण समिति के अध्यक्ष के काल करके उसके अंदर 10-15 फीट खंबे लाइट के पुराने वर्षों पुराने लगे हुए नीचे सीवरेज जाएगी, ऊपर सब अंडरग्राउंड 550-600 मीटर की केबल डलेगी और ये रोड वाल टू वाल जैसा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बनकर कम से कम हम 15 फीट इस रोड को चौड़ा करेंगे और ये काम भी शायद 2-3 महीनों के अंदर हम पूरा करने में सफल हो जाएंगे। प्रयास किया है ये शहर आगामी समय में अपराधों में वृद्धि हुई थी समाप्त नहीं हुई है, कमी लाने का प्रशासन ने भी सरकार ने प्रयास किया है और आगे भी इसको निरंतर जारी रखेंगे। मैं चाहूँगा कि अपन इस कॉन्फ्रेंस के बाद सभी बात रखेंगे, लेकिन आप में से कोई बड़े सुझाव ये विधानसभा चुनाव के अंदर आप सभी का सकारात्मक सहयोग देकर मेरे को मेरी पार्टी को सहयोग प्रदान किया उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और उसके साथ साथ यह
चुनाव किसी के राजनीतिक दल का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के चुनाव थे ही है, लेकिन राष्ट्र का चुनाव है। समृद्ध भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और राष्ट्र हित की ओर बढ़ने वाला भारत, जिस जो निश्चित रूप से हम सभी की राजनीति से ऊपर उठकर जिम्मेदारी हम सभी की। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि यह चुनाव तो राष्ट्र का भविष्य तय करने वाला है। 2047 का भारत कैसा होगा, इस कल्पना को साकार करने में हमारे प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं और आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि आपका सकारात्मक सहयोग देकर आप इस कदम को आगे बढ़ाएंगे। यही बात कहते हैं, अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भारत जय। चार रखे। और अब मैं हमारे शहर जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली से आग्रह करूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, प्रेस से जुड़े हमारे सभी बंधु और बहन, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ जन, विशिष्ट जन, माननीय ताराचंद जी जैन साहब ने संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर दी है और 3-4 महीनों में जिस प्रकार के विकास का जो विजन उन्होंने बताया, अभी बहुत अच्छे काम हुए हैं और भविष्य में भी उदयपुर के नैसर्गिक सौंदर्य को लेकर जब हम बातें करते हैं तो इसके नैसर्गिक सौंदर्य में 4 चांद कैसे लगे, उदयपुर का पर्यावरण ठीक से किस प्रकार से हो, हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे विधायक महोदय, हमारी पार्टी सब मिलकर इस शहर के विकास में, सर्वांगीण विकास में जो कुछ भी योजना बनी है हमारी, अभी तक रोड मैप बना है, रोड मैप के आधार पर हम उनको करने का प्रयास करेंगे। मैं विशेष तौर से काफ़ी दिनों से हमारे यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद जी मीणा बार बार जो बातें कहते हैं, मैंने प्रशासन होता है जनता के साथ गुलाम मेला में नहीं, वो किया जो कुछ भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है, मैं सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि गहलोत सरकार में उदयपुर कलेक्टर के, उदयपुर के अंदर जो जो कलेक्टर रहे उनके किस प्रकार के कारनामे रहे, किस प्रकार से उन्होंने शहर के विकास में अपना योगदान दिया या व्यक्तिगत लोगों को लाभ देने का प्रयास किया, किस प्रकार से हमारी झीलें, हमारे पहाड़ और हमारे जल स्रोत, हमारी नदियां, इनके साथ आपने न्याय किया अथवा नहीं किया, अपनी आत्मा के अंदर जाकर देखना। और कुछ रसूखदार लोगों को भी जिस प्रकार से भूमि का आवंटन हुआ है, जिस प्रकार से आपने गैर खातेदारी से खातेदारी कर दी है जमीन है, बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने नियमों के अनुसार किया होगा लेकिन जी किसी गरीब के साथ में काम करते हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोप गहलोत सरकार पर लगे उसके एक एजेंट के रूप में यहाँ के ताराचंद जी मीणा ने काम किया, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका जीता जागता उदाहरण नगर विकास प्रन्यास के अंदर अभी ऐसे कई काम हैं जो बिना टेंडर ही उन्होंने कर दिए, और भी अनेक ऐसे हैं। मैं खुले मंच पे चुनौती देना चाहता हूँ, आप एक एक विषय पर मुझसे चर्चा कर लीजिए। नगर विकास प्रन्यास का मैं भी अध्यक्ष था और उसके पश्चात जो जो काम रुके हुए थे जिनकी परमिशन नहीं थी, नियमों के अनुसार उनको परमिशन देना संभव नहीं था, आदरणीय इससे पहले हमारे चेतन जी ने, देवड़ा ने और इन्होंने मिलकर जो जो स्वीकृतियां प्रदान की है, पहाड़ों की स्थिति आप देखी है, जलाशय की स्थिति आप देखी है, तो ये जो बातें करना बड़ा सरल होता है और जब इन्होंने जो कलेक्टर का जो एक संविधान जो होता है और इन्होंने संविधान की शपथ लेकर जिस पद के दायित्व का निर्वहन करने के लिए शपथ ली है, ये भी कुछ दिनों पहले एक अखबार के अंदर कहते हैं, मैंने तो कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह उदयपुर के कलेक्टर के रूप में मैंने काम किया। इसका जीता जाता उदाहरण उनके कारनामों को देख लेंगे, अब वो कह रहे हैं वास्तव में। और सबसे बड़ा जो पैसा विकास के कार्य जिन विधायकों के क्षेत्र में होना चाहिए था, T50 का पैसा आपने समय पर जारी नहीं किया, अनेक विधायक वहां पर जाते हैं लेकिन बिल्कुल एक पक्ष है कि इनको ध्यान में था कि मुझे चुनाव लड़ना, मिशन पोटना। अरे इन्होंने मसूमे पाले कि मैं
मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा, ठीक है, प्रयास किया नहीं मिला। अब यह है, इस पर भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, उदयपुर की जनता महान जनता है, वह सबका लेखा जोखा रखती है। और रामचरितमानस में एक बात कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर इसो तस फल चाखा। इसलिए उदयपुर की जनता को भी इस प्रकार के भ्रष्ट आचरण हुए, काम हुए, जानकारी जरूर प्रदान करना चाहिए। मेरा सभी प्रेस के मित्रों से बहुत बहुत यह आग्रह है कि आपका जिस प्रकार का सहयोग और स्नेह मिला, एक पॉजिटिव प्रेस, और जिन्होंने शहर के सर्वांगीण विकास में अपने समय समय पर जो आपने अपना विजन भी रखा है, आपने सुझाव भी दिया है, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर शहर के विकास में आगामी 5 वर्षों में हम क्या कर सकते हैं, क्या अच्छे काम और कर सकते हैं। अलग ताराचंद जी ने जो काम किया, वास्तव में मैं उनकी बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ चुनौतियां हमारे सामने है। वह सभी चुनौतियां पार्टी और हम सब मिलकर आपके सुझाव के आधार पर उसको पूरा करेंगे। और विधानसभा में भी उदयपुर की जनता ने जो विश्वास प्रकट किया, आप सभी का भी, क्योंकि आपका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, जनता का भी योगदान है, तो जनता का और आप सभी का मैं बहुत आभार करता हूँ। भारत माता की जय। प्रमोद जी सामल जो लोकसभा के चुनाव के संयोजक है, उनसे आग्रह करूंगा कि वे विचार अपने व्यक्त करें। सम्मानीय मंच, आदरणीय ताराचंद जी ने और आदरणीय रविंद्र जी ने अपने सभी विषयों को आपके समक्ष भी रखा है। कुछ समय पूर्व आदरणीय ताराचंद जी मीणा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से और आपकी प्रेस वार्ता के दौरान ही कहा है कि मुझे कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया स्वीकार करने में गुरेज नहीं। चलो कुछ तो बोले, पर हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज आपको स्पष्ट रूप से चुनौती के साथ कहती है, आपने कार्यकर्ता के रूप में नहीं, आपने एक एजेंट और दलाल के रूप में काम किया। और जो जिस तरह का तंत्र, एक प्रशासनिक तंत्र होता है, उसको भ्रष्ट करने का काम में जितना योगदान आप दिया है किसी आज तक के कलेक्टर ने दिया है। आचार संहिता का समय आएगा तब आपको पता लगेगा कि किस तरह से जनता के धन का अपव्यय आपने किया। आपने उदयपुर में पर्यटन के नाम पर आपने कहा कि मैं पर्यटन के क्षेत्र में ये कार्य करूंगा, ऐसे में एक यदि सांसद रहा तो अवसर आपके पास था, कलेक्टर थे, आपने पर्यटन स्थलों के विकास में कम रुचि ली, आप एक पर्यटक के रूप में घूमते रहे, किसके साथ घूमे, क्या किया, उदयपुर की जनता अच्छी तरह जानती गए कौन साथ थे, उनका क्या वास्ता था, क्या रिश्ते थे, क्या वो प्रशासनिक तंत्र के अंग थे, इसका भी आप स्पष्टीकरण देना तो हम मान जाएंगे कि आपका चरित्र क्या है। आपने कहा कांग्रेस को बताया राम के पुजारी और बीजेपी को बताया राम का व्यापारी। शर्म भी नहीं आती इतने बड़े अधिकारी रहने के बाद, अगर आप राम के पुजारी हैं और हम अगर व्यापारी कहते हैं, वो तो पूरा विश्व जानता है कि भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका रही और आदरणीय मोदी जी ने इस काम को किस मुकाम तक ले जाकर कई शताब्दियों के सपनों को पूरा किया है। और अगर आप राम के पुजारी थे तो भारत सरकार ने आपको विधिवत रूप से, राम मंदिर न्यास ने आपको विधिवत रूप से, संबंधित संस्थाओं ने, आपकी पार्टी, जिस प्रतिशत भी आपका हक इसलिए नहीं बनता कि आप उन तथाकथित ताकतों के साथ खड़े हैं जो धर्मांतरण की इस पूरे संभाग में अगर कोई दोषी है उन सभी संस्थाओं के साथ आप खड़े हैं और उन्हीं के परिसर में जाकर आप अपनी पार्टी के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती। ये राशि कहाँ से आ रही है, ये कौन तथाकथित लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर ये जो काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासी भाई बहनों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जहाँ पर धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उन परिसर में जाकर के आप राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए नहीं, अब एक नेता के रूप में अगर आप उम्मीदवार हो तो आचार संहिता के साथ साथ सभी मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और अभी आपको एक चाटुकार के रूप में वोट चाहिए, ये हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। साथ ही जैसा आदरणीय रविंद्र जी ने कहा, इस उदयपुर जिले में जितनी भूदान की जमीनें थी उसको औने पौने दामों में
और कांग्रेस के तथाकथित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के तमाम जमीनों को जो खुद बुद्ध करने का काम किया है, तो उसका अंतिम हस्ताक्षर आपके हाथों से हुआ है। आप सबको याद होगा, विनोदा भावे ने जब इस आंदोलन को चलाया था, जनता ने अपने चाहे सामर्थ्य था या नहीं था अपनी जमीनों को दान किया था सार्वजनिक कामों के लिए। और आपने जैसा अपनी भावना भी बता दी कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, यानी कि आपने अपने आप को आगामी चुनाव के लिए प्रस्तुत करने के लिए और लोकसभा विधानसभा को दृष्टिगत रखते हुए उन यूआईटी में और बुदान की जमीनों में जितनी हेरा फेरी आपने की है, आने वाला समय इस बात के लिए कहेगा सबसे कलंकित। उदयपुर का कलेक्टर के रूप में आपने यहाँ पर काम किया है। आपने कहा कि मैं यहाँ का विकास करूँगा, पर्यटन क्रिएट की दृष्टि से विकास करूँगा। ये सब काम जब आपको अवसर था तो किसान आपको स्वीकार नहीं करेगी। उदयपुर लोकसभा से तो आपकी विजय तय है और विजय ऐसी होगी कि जहाँ से आप आए हैं दौसा से पाली, पाली से उदयपुर, आपको पुनः यहाँ से अच्छी तरह से विजय भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के मतदाता देंगे। मैं आपको आप विश्वास साथ कह सकता हूँ कि चुनाव अंतिम चरण के दौर में है। कल सार्वजनिक रूप से चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है। आदरणीय ताराचंद जी के प्रवास आप देख रहे हैं, अभी बंद कमरों और गुप्तगू बैठकों से बाहर नहीं आए, अभी अंतिम दौर है। जितने कुकृत्य किए और जो धन अर्जित किया है उसका आज कल में जो जिस ढंग से वितरण कर रहे हैं, उसके साथ कहता हूँ आज तक के सर्वाधिक वोट से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में जीतेगी और आपकी विजय भी तय करेगी। और आने वाला समय जो हमने कहा है कि जिस तरह से भूदान से लेकर के यूआईटी की जमीनों से लेकर के और गैर खातेदारी जमीनों में जितना आपने भ्रष्टाचार किया है, तथ्यात्मक रूप से भी रखेंगे और समय आने वाले समय ये बताएंगे कि आपने अपनी भावना जाहिर करके ये बात तो बता दी कि मैंने यहाँ एक अधिकारी के रूप में नहीं कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आपने एजेंट और दलाल के रूप में काम किया और इसका परिणाम आपको लोकतंत्र में जिस तरह से भुगतना है वह भी भुगतना पड़ेगा और आने वाले समय में जिस तरह से कानूनी व्यवस्था के कारण से भी भुगतना पड़ेगा वह भी भुगतना पड़ेगा। मैं अब आप चार दिन के अंदर उनके कार्यक्रम की कॉपी आपको दे दूंगा। कल उदयपुर का विश्व हिंदू परिषद का करोड़ रुपये तक बहुत बड़ा कार्यालय का भूमि पूजन हो रहा है, उसमें रहने 3 दिन उनके स्वयं के परिवार की शादी है, स्वयं के पोती की शादी है, सोन जी कटरे भाई की बेटी की अब उसकी शादी है 3 दिन वो 1 दिन और 1 दिन और भी शादी में जाना और 26 तारीख को वोट डाल के जाना। तो इनको गुलाब जी का भूत अभी भी से बाहर नहीं निकल पा रहे कांग्रेस के लोग। सही सही बात ये है सर। दूसरा फूड मार्केट का जो है, ऐसा है कि फूड मार्केट के बारे में ये बात सही है, आपने जो प्रश्न उठाया है हमारे भी ध्यान में, लेकिन सरकार को मैंने 3 महीने प्रशासन से टूरिज्म विभाग से सारा तालमेल बैठा के कैसे इसको किया जाए, क्योंकि जल्दबाजी के अंदर कुछ भी निर्णय ले लेंगे हम दूसरे दिन फिर बदल के कहो ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है। तो हम चाहते हैं कि दिवाली के पहले जब अगला टूरिज्म सीजन चालू उस समय तक ही सारा छोटी आप कहीं भी चले जाओ बंद कार के लिए पीछे पड़ते हैं, पत्रकारों को रात को जाते हैं। ये बात सही है, इस समस्या से पूरा नगर निगम भी चिंतित है, लेकिन जीव जंतुओं का सुप्रीम कोर्ट के डंडे से सभी भय भी थे, अब उसमें से क्या रास्ता निकल पाएगा क्या होगा ये आने वाले समय उत्तर देगा। सर मेरा एक प्रश्न है, क्योंकि आपने सबने कहा कि ये रोड में अतिक्रमण हटा रहे हैं ये हटा रहे हैं, लेकिन पिछले रामनिवास जी मेहता जब यूआईटी के चेयरमैन थे तो सेक्टर 3 और ये पूरा माली कॉलोनी वाला रोड बहुत चौड़ा किया, 100 फीट रोड बनाया, लेकिन आज जाके देखो आप एक कार भी ओवर अटैक नहीं कर सकती है, सब लोगों ने रैंप बना बना कर 30-30 फीट का कब्जा दोनों साइड से कर लिया, आप सब स्वयं सब जानते हैं। एक तो इसके बारे में क्या कहोगे, दूसरा ये कि सेवाश्रम चौराहे से लेकर जड़ाव नर्सरी तक जो आपके 4 लेन 8 लेन जितने भी बनाए उन सब लेनों में कारें पार्किंग रहती है,
कोई भी एक गाड़ी भी आप ढंग से ओवरटेक नहीं कर सकते हो। आप देखना, जिसने बना लिया वो तो बना लिया, और आज पूरी जनता दुखी होती है, उसका आप वापस नक्शा बनाओ, जहाँ से चौड़ा करना करो, क्योंकि दुकानों के सामने तो गली छोड़ दी, 10-15 फीट का रोड अलग। अब आप समझ रहे हैं, सब लोग जानते हैं कि ये बहुत गलत काम हुआ, उसको कैसे ठीक करोगे? अरे हाँ, ऐसा है। नहीं, आप सब देखो ना, क्या वो ठीक है क्या? गलत है। कोई बात नहीं है, ऐसा है कि आपका और आपकी और मेरी दोनों की जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा कि आप दोनों मिलकर, आप और मेरी दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है, कुत्ते और सड़क चोरी की। आपने कहा था मैं कुत्ता हाउस पर रहूंगा, ये सब पत्रकारों को मालूम है। मैं चाहता हूँ उसमें पहल करो और मैं सब देने को तैयार। चलो बढ़िया। और दूसरा अतिक्रमण के अंदर आप से आग्रह करूंगा कि अपन दोनों साथ चल के, जो भी प्रशासन की मेरी जिम्मेदारी और नगर निगम की आप जिम्मेदारी, दोनों मिलकर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। निश्चित रूप से ये प्रश्न आपने उठाया, अगली बार ये कोई नहीं उठाया, वैसा अपन मौका देंगे, मौका नहीं देंगे। धन्यवाद। अंतिम प्रश्न मेरा है कि देखो, देर से आए दुरुस्त आए, देर से आए दुरुस्त आए, इनको इतने समय बाद भी भगवान ने सद्बुद्धि दी, इनकी सद्बुद्धि बरकरार रहे, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। और उन्होंने इस समय भी जो बातें कही, मैं उसका उत्तर नहीं देता। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।